हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए एजू कार्ड का सिंपल पेपर फर्स्ट लेके आए हैं, जिसमें आज हम फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + px + 3 = 0 हैज टू इक्वल रूट्स इफ पी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और क्या कहते हैं, हमें इक्वल रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा 2x² + px + 3 = 0। ये इक्वेशन दिया गया है, हमें इक्वल रूट्स फाइंड करना है। तो उसके लिए इक्वल रूट्स इसके लिए फार्मूला होता है b² - 4ac = 0। तो इस यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे दिया गया है a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू p और c की वैल्यू 3 दी गई है। अब हम इसे क्या कहते हैं, इस फार्मूले पे पुट कर देंगे, b² - 4ac = 0 पे इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ b की जगह पे हमें दिया गया है p, तो यहाँ हो जाएगा b² - 4 फार्मूले में दिया गया है, तो यहाँ जगह 4 इंटू a का मान 2 इंटू 3 का मान c का मान 3 = 0। तो क्या कहते हैं, अब हम यहाँ लिखेंगे b² - 4 × 2 × 3 = 0। तो ये b² - इसको जब हम इंटू करेंगे हो जाएगा 24 = 0। तो b² = 24, तो b² हटेगा तो इधर हो जाएगा 24, √24 हो जाएगा। तो इधर हम इसको करेंगे b = ± √6, यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है दिया गया है, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें नेचुरल नंबर 20 तक दिया गया है, इसको हमें क्या कहते हैं सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जो 20 दिया गया है नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा n = 20 और क्या कहते हैं ये इस 20, तो यहाँ 20 तक जो होगा वो सीरीज फॉर्म में इस तरह लिख लिया जाएगा, सीरीज 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पूरा 20 तक। तो यही हो जाएगा नेचुरल नंबर। तो क्या कहते हैं, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो जो फर्स्ट टर्म होगा हमारा, फर्स्ट टर्म ए, उसको ए मानेंगे, ये बोलते हैं, हो जाएगा 1 और जो कॉमन डिफरेंस होगा डी हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस उसको हम डी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा और a2 - a1, तो a2 यहाँ पे दिया गया है 2 और -a1 दिया गया है 1, तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, अब इसको 1 हो गया। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा 20, टोटल नंबर ऑफ टर्म 20 हो जाएगा, n 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है सम इज इक्वल टू क्या कहते हैं n
ब्रेकआउट में ए प्लस टी एन अपान टू। तो अब हम इसे इसी फार्मूले पे पुट कर देंगे। यहाँ एन हमें 20 दिया गया है और ए दिया गया है क्या कहते हैं 1 प्लस टी एन 20 है, ये 20 हो जाएगा और अपान 2 दिया गया है। तो इसको अब हम 20 दिया गया, फिर इसको एस इसकल टू हो जाएगा 20 इंटू 21 अपान 2, इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। तो यस इसकल टू हो जाएगा, इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 210, यही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें तीसरा क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, क्या कहते हैं, इफ़ टेन थीटा इसकल टू रूट थ्री देन सिक्स थीटा। टेन थीटा दिया गया है और हमें क्या कहते हैं सिक्स थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, टेन थीटा इसकल टू रूट थ्री दिया गया है, तो टेन थीटा पे कब इसकी वैल्यू रूट थ्री होती है, तो टेन थीटा इसकल टू टेन सिक्सटी पे इसकी वैल्यू रूट थ्री होती है। तो यहाँ टेन टेन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इसकल टू हो जाएगा 60, तो 60 हो जाएगा। तो सिक्स थीटा हमें निकालना है, सिक्स थीटा हमें निकालना है, तो इसमें फार्मूला होता है, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ आउटकम अपान टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो नंबर ऑफ आउटकम होगा, जो हमारा प्राइम नंबर है वही होगा नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा दिया गया है 6, तो क्या कहते हैं अपान 6 हो जाएगा। तो 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 आंसर। स्टूडेंट अब पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया गया है, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2। यहाँ पे जो है 2 के 10 मल्टीपल्स हमें दिए गए हैं वही निकालना है। तो ये हो ये इसको हम ऐसे निकालेंगे, 5 क्वेश्चन आंसर नंबर 5, मीन ऑफ फर्स्ट टेन मल्टीपल ऑफ टू। तो 2 के हमें 10 मल्टीपल चाहिए, तो ये हो जाएंगे 2, 4, 6 इंटू ऐसे 20 तक,
मतलब कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, हमें 10 बार लेना है, 10 टाइम्स, तो 20 तक आएगा। तो इसमें मीन का जो फार्मूला होता है, मीन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या कहते हैं, इसमें हो जाएगा जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे 20 तक। इसको हम काउंट कर लेंगे अपान, यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो दिया ही गया है 10, तो हो जाएगा 10। तो इसको जब 2 + 4 + 6 + 8, इसको जब हम पूरा टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 110 अपान 10। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 11। यही आंसर आ जाएगा।